नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश, आप देख रहे हैं क्रिक मास्टर। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इंग्लैंड और भारत के बीच खेले गए मैच में इंग्लैंड ने भारत को 31 रन से हराकर वर्ल्ड कप में अपने बने रहने की उम्मीदों को बरकरार रखा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के आगे 337 रन का विशाल लक्ष्य खड़ा किया। जवाब में भारतीय टीम ने 5 विकेट खोकर 306 रन ही बना पाई और इस तरह इंग्लैंड ने भारत को 31 रन से हराया। यदि मैच के दौरान भारतीय टीम ये 4 गलतियां नहीं करती तो इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाती। नंबर 1, इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और पिछले 2 मैचों में इंग्लैंड की शुरुआत काफी खराब रही थी, लेकिन भारत के मजबूत गेंदबाजी पक्ष के खिलाफ इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज 160 रन जोड़ने में सफल हुए। नंबर 2, इस मैदान में 300 से अधिक रन का स्कोर चेज कर पाना काफी मुश्किल है और इस बात को जानते हुए भारतीय गेंदबाज इंग्लैंड को 300 प्लस का स्कोर बनाने से नहीं रोक पाए। मोहम्मद शमी के अलावा कोई भी गेंदबाज कारगर साबित नहीं हो पाया। नंबर 3, बर्मिंगम में 300 से ज्यादा का स्कोर का पीछा करना काफी मुश्किल है, लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा की साझेदारी ने इस समय भारत को पूरी तरह से मैच में ला दिया था, लेकिन रोहित शर्मा के आउट होते ही जरूरी रन रेट लगातार बढ़ता रहा। नंबर 4, अंत के ओवरों में महेंद्र सिंह धोनी और केदार जाधव ने बिल्कुल भी बड़े शॉट खेलने की कोशिश नहीं की। ऐसा लग रहा था कि मानो भारत इस मैच को जीतना ही नहीं चाहती थी। धोनी ने पीछा करते हुए 49 मैचों में से 47 बार भारत को जिताया है और सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जब धोनी नाबाद रहे। इसके बावजूद भारत हारी है, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ इस मैच में धोनी ने भारत को जीतने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।